हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अक्की लेक, और यहाँ से लगभग वो 10 मिनट पे है ना, 10 मिनट अभी हम लोग है यहाँ पे माउंट आबू। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो इसका फर्स्ट पार्ट है, और देखो यहाँ पे राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करो, आप आपको मिलेगा मुंबई टू माउंट आबू राइड का वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड, मतलब इस टोटली फ्रीजिंग राइट नाउ। तो हम लोग अभी मेरी बाइक निकल के हम लोग एक ही बाइक पे जा रहे हैं अभी। Let's go. तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच गए, ये है नक्की लेक। यहाँ पे अभी पूरे माउंटेन में ये पूरा एक बड़ा सा लेक है यहाँ पे, जो यहाँ पे माउंट आबू में एक खास बनाता है इस लेक को। यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक बना गया है, यहाँ पे गेम जोन वगैरह है, यहाँ पे काफ़ी बोटिंग वगैरह चल रही है पानी में, और यहाँ पे है एक बड़ा सा घाट। अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत मस्त है, गर्मा गर्म एकदम, बहुत मजा आ रहा है खा के। ये देखो, देख सकते हो कितना करेगा, समझ सकते हो कितना ठंडी इधर। फिर तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट आबू। तो अभी लगभग बज जाए 10, हम लोग पूरा रात मतलब 10 घंटे पूरे सोए यहाँ पे। बहुत रात को बहुत ठंड पड़ गई, कुछ 7 to 8 degree टेम्परेचर था यहाँ पे, पूरा अंदर घुसड़ के रह गए, हमें एकदम सो गए थे हम लोग। अभी उठे अभी 10 बजे हम लोग ने खाने के लिए मंगवाया परोठा एंड दही परोठा ना, दही परोठा मंगवाया यहाँ पे। तो अभी नहाएंगे और फिर तो मिलता हूँ नहाने के बाद, थोड़ा फ्रेश वेगा होकर मिलते हैं, चलता। तो अभी 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 बजे 12 o'clock, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से पहला हमारा डेस्टिनेशन है दिलवारा टेम्पल, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। और अभी ये बाइक पे कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही बाइक पे हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि क्यों दो बाइक लेके जाए। तो जहर का बाइक चलाने वाला है, उसके पीछे मैं फिलहाल बैठने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी दिलवारा टेम्पल, पूरा घाट सेक्शन ही है ऊपर तक, 18 किलोमीटर तक। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुरुशिखर, वहाँ से नीचे से आए हम लोग थोड़ी ऊपर। ये अपना है टेंपल, ये जो है गुरुशिखर है, ये इस माउंटेन रीजन का सबसे टॉप वाला शिखर है, इसलिए उसका नाम लिया गुरुशिखर टेंपल। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये अपना गुरुशिखर मंदिर है पीछे, पूरे पहाड़ को खोद, मतलब पहाड़ के अंदर ही है वो सब। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे मेरे सामने,
ये देखो ये जो है मुझे ये सेलर फोर्ट में गया था, सेलर फोर्ट से उसी की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, सेम इस तरह की है मेरे पूरा ऐसा सपाट, बीच में कुछ नहीं, जबरदस्त है। फाइनली सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे सीनरी बहुत देखने लायक मस्त है। यहाँ पे पीछे जो देख रहा है ये मिलिट्री का सैटेलाइट स्टेशन है ऐसा लग रहा है, डोंट नो। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे भी एक दो जगह पे जबरदस्त सीन्स है, वहाँ पे ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे निकल जाते हैं और वहाँ पे भी फोटो क्लिक करते हैं। देखो क्या है, चलो अभी मैं ये संतरा खाता हूँ मैं, आहा संतरा नींबू, संतरा नहीं है, संतरा नहीं है, नींबू है नींबू। राजस्थान के नींबू संतरे जैसे दिखते हैं। और ये तो देखो अंदर से ऑरेंज है, ये कोई भी अपने जैसा बंदा धोखा ही खाएगा, धोखा ही खा सकता है। और ये नींबू अच्छे ले, अभी नींबू का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा है ना? नहीं ना भाई, लस्सी नींबू का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इतना आधा नींबू खा ले खाली वीडियो बनाने के लिए। बनाने करना कुछ तो करना पड़ता है भाई। अभी मैं खा रहा पी रहा हूँ ये लस्सी, इसने चना चना लिया ना तूने, चना और ये पाइन एप्पल मंगाए, थोड़ा सा खाते हैं। अभी बजे है 1:30 और यहाँ से अभी हमको और तीन जगह जाना है, तीन स्पॉट में। मस्त एकदम भाई, जबरदस्त बनाइए, थैंक्स। अभी ये आके अभी निकलते हैं, निकल रहे और जहर अपना बाइक निकल रहा है। तो यहाँ पे पार्किंग में कुछ 20 रुपीज़ बाइक के चार्जेस है और 40 रुपीज़ फोर व्हीलर्स के, फोर व्हीलर की पार्किंग ऊपर रहती है यहाँ से आगे जाने का, तो वहाँ पे फोर व्हीलर्स पार्किंग रहते हैं। तो यहाँ से निकल रहे हम लोग, नीचे एक और एक स्पॉट है वहाँ पे रुकेंगे, वीडियोज़ वगैरह लेंगे और निकल जाएंगे इधर से, चलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा एक स्पॉट है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा इधर ताला भी है ना क्या। सो यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, डोंट थ्रो प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स इन द फॉरेस्ट्री, इट में बी इंजूरियस टू अस। और यहाँ पे पूरा ग्लास का बॉटल टूटा फूटा पड़ा है और नीचे बहुत गंदगी है। प्लीज गाइज डोंट डू दिस एंड दिस काइंड ऑफ प्लेसेस गाइज, क्यों वो बर्बाद करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आए पीस पार्क, यहाँ पे एंट्री मारी, यहाँ पे घर के अंदर फोटो वीडियो निकालना सख्त मना है। मेरे बाल यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे है वो ब्रह्मा कुमारीज का पीस पार्क, जहाँ पे अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड तो है नहीं, तो जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट का एक सेशन रहता है, जो वहाँ पे सब आपको बताते हैं कैसा रहना चाहिए, मतलब वो पूरा डिटेल बताते विद मेडिटेशन का थोड़ा सा नॉलेज देते वहाँ पे। बाद में फिर हम लोग गार्डन में गए, तो गार्डन में देखने लायक मतलब कुछ इतना है था नहीं, फूल फ्लावर्स थे जिसमें हम लोग जा रहे थे, तो पूरा फ्लावर्स का स्मेल वहाँ पे आ रहा था मस्त। तो गार्डन से फिर अभी बाहर आ गए, तो गेट के सामने ये एक होटल है, यहाँ पे ये है चामुंडा होटल, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे हम लोग अभी राजस्थानी थाली ट्राई करते, तो यहाँ पे है ये दाल बाटी और ये राजस्थानी थाली।
के हो चुका है यहाँ पे, ये पीछे रेस्टोरेंट में चामुंडा के। अभी यहाँ से निकल रहे, अभी जा रहे हैं हम दिलवारा टेम्पल। ऑल सेट जहीर? एकदम एकदम। और दिलवारा टेम्पल यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। और खाना तो खा लिया लेकिन एक चीज मिस कर दिया। कौन सा चीज़ है? स्वीट खाने को नहीं मिला इधर यार। हाँ अरे स्वीट नहीं मिल रहा है इधर, जैसलमेर में मिलेगा। मिलेगा ना तो मार्केट में वही जाएंगे जहाँ पर कल खाए थे गाजर का हलवा। हाँ वहाँ पे खा लेंगे। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, कुछ 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे आपके लिए। गया एक सेकेंड में, चलो लेके गए। तो अभी मैं दिलवारा टेम्पल से आ गया अंदर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और इवन दो बैग भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते, बाहर ही रखना पड़ रहा है। तो बाहर सब देख के अभी मैं अंदर जाके आया, कुछ मुझे आधा से पौना घंटा लगा। वहाँ पे आप 10-15 मिनट में आके जा सकते हो, लेकिन मैं हर एक चीज़ नोटिस कर रहा था अंदर क्या क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलते क्योंकि सनसेट पॉइंट जाना है और हनीमून पॉइंट भी है ना, 2 पॉइंट बाकी है। तो हनीमून पॉइंट पे जाने के बाद वहाँ पे बात करते हैं। चल तो चलते हैं एक सेकेंड में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनीमून पॉइंट, यहाँ से लगभग रास्ता देख रहे हो, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है। यहाँ चल के अभी वही जा रहे हैं। ये बाजू में जो दिख रहा है आपको ये अपना नक्की विलेज जो हम कल जाके आए थे कल शाम को। तो अभी चलते हैं, अभी 1.5 किलोमीटर जाना है आगे। यार बाइक्स भी अलाउड नहीं करते आगे। चलो तो दर्क मिलते हैं हनीमून पॉइंट। आ गए सनसेट पॉइंट, ये पीछे यहाँ पे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे टाइम लैप्स ले रहे हैं हम लोग। सो अभी हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट से। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट अलग अलग है, पर हम लोग गए थे हनीमून पॉइंट में। कि सनसेट पॉइंट में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ रहेगा, तो हनीमून पॉइंट पे आओ और वहाँ से आप सनसेट के मज़े ले सकते हो वैसे आप जैसे आपने देखा। तो टॉकिंग अबाउट दिलवारा टेम्पल, तो दिलवारा टेम्पल इज़ रियली ऑसम। वहाँ पे मैंने देखा यार पब्लिक आ रही है और अभी ऐसे देखो हाँ अच्छा 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 जा रही है, पर वहाँ पे हर एक नक्शा अगर देखोगे आप हिल जाओगे, आपको लगेगा भाई सेम ही है भाई, अरे ये सेम है। पर अगर अच्छे से देखोगे ना हर एक जो नक्शे आपको लगती है सेम, उसके बाजू वाला अलग ही दिखेगा आपको, क्योंकि एक हाथ ऐसा है तो एक हाथ ऐसा है, मतलब एक पिलर में देखा एक पिलर पे ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरे देवी देवताओं की फिनिशिंग की। और वहाँ की वो जो पूरा बनाया टेम्पल वो मार्बल से बनाया हुआ है। कुछ 5 टेम्पल है ओके, तीन उसमें बड़े हैं और दो तीन छोटे हैं, और उसमें पूरा मार्बल यूज़ किया है। और मार्बल की फिनिशिंग आप देखोगे ना यार मज़ा आ गया। और वहाँ पे देख रहे थे बहुत सारा हमारे हाथी घोड़े, बाद में शेर का भी वहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। हम लोग जब एंट्री मारते तो वहाँ पे जब ऊपर आप देखते हैं पूरा झूमर टाइप दिखता है, झूमर के बाजू में इस साइड पूरे देवी देवता के फ़ोटो ऐसे यहाँ पे आगे, और हर एक फ़ोटो का जो मूवमेंट है वो अलग अलग है। तो अगर जाओगे दिलवारा टेम्पल तो वहाँ पे ज़रूर जाना और बारीकी से देखना, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक देखती ही नहीं कुछ, बस भागती रहती है 5 मिनट में भागती है। तो दैट्स इट, अगर दिलवारा टेम्पल जाओगे तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे देखने लायक बहुत कुछ है।
तो ये जो टेम्पल है वो 1031 ईस्वी सदी का है, मतलब पूरा एंशियंट जमाने का है। वो किसी राजा ने यहाँ पे बनवाया था, वो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल दूंगा, वो देख लो। और ये जो है वो उस टाइम पे 14 या 13 करोड़ रुपीस में बनाया गया था उस सदी में। तो इसमें जो बिलियंस और ट्रिलियंस में बनेगा और उसकी टेक्नोलॉजी इज फाड़ है यार। अभी तो मैंने ऐसा देखने को भी नहीं मिला एक भी टेम्पल में। तो दैट्स इट फॉर दिस। तो अभी जाते हैं होटल, फिर होटल में मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लिखा है आई लव माउंट आबू। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे 5-10 मिनट के लिए, पर हमें इनसे मुलाकात हो गई। ये भी पनवेल से आ गए, बहुत जॉली गए। हम लोग कम से 10 से 15 मिनट इधर बातें कर रहे थे। आपका नाम क्या बताया? विशाल मानता मैं। विशाल। और आपका दीदी? सुविधा। तो चलते हैं अभी होटल। बाय बाय। सो अभी बज गए हैं 8, तो 8 बज चुके हैं। तो अभी जो जैसे अभी घर पे आए, तो अभी थोड़ी देर के बाद जाने वाले खाना खाने। तो दिस इज द एंड ऑफ द लॉग राइट नाउ। अभी कुछ करने लायक तो है नहीं। अभी आप सब देख रहे हैं पसारा, इतना सारा पसारा इधर पड़ा है। तो ये सब कुछ पैक करना है और कल हम निकल रहे हैं जैसलमेर को। सो स्टे ट्यून और देखते रहे वीडियो, क्योंकि आगे बहुत कुछ करने वाले हैं हम जैसलमेर में। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दो। लिव योर लाइफ एंड चेस योर ड्रीम्स। बाय।